हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ के लड्डू। तो सबसे पहले हमने एक कप मूंगफली के दाने को रोस्ट करके उसका छिलका उतार दिया, और तिल लिया हमने 2 कप, और गुड़ लिया हमने 300 ग्राम के लगभग। तो फ्रेंड्स, अब हम रोस्ट की हुई तिल्ली को और गुड़ ये मूंगफली के दाने को अच्छे से पीस लेंगे। इसमें से हम थोड़ी सी तिल्ली को अलग निकाल लेंगे थोड़ा, और बाकी को हम थोड़ा दरदरा करके पीस लेंगे मूंगफली दाने में इसको। और जब तक हम इसको पीसेंगे तब तक हम गुड़ की चाशनी रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच के लगभग घी डाल दूंगी। घी को अच्छे से पिघलने देंगे। तो हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसमें गुड़ को डाल देंगे ताकि ये पिघलता रहेगा, तब तक हम इनको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी गुड़ की चाशनी अच्छे से रेडी हो गई। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग पानी डालेंगे। इससे हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो सॉफ्ट बनेंगे, जैसे गुड़ की कड़क हो जाते हैं पर ये कड़क नहीं होंगे। और हम मिश्रण को मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, हम इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाए, क्योंकि सर्दी में जब तक हम तिल के लड्डू नहीं खाते तो मजा नहीं आता। सर्दियों में तिल के लड्डू खाने का, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो तिल के लड्डू खाने का मजा ही कुछ और होता है। हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे गुड़ और तिल के लड्डू बन के तैयार है। हमने 1 कप मूंगफली दाने रोस्टेड और 2 कप तिल्ली में इतने सारे लड्डू बन गए हमारे, 1/2 किलो के लगभग। और देखिए फ्रेंड, अभी सर्दी में गुड़ के लड्डू बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए।